दोस्तों आप सभी के लिए सीएससी ने एक और नई सर्विस शुरू कर दी है, एक और नया पोर्टल शुरू कर दिया है जिसपे आप सारथी की सेवाएं ले सकते हैं। जी हां फ्रेंड, जो सारथी पोर्टल है वो आप सभी के लिए बनाया गया है जिस पर काम करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारथी सर्विस पोर्टल क्या है, इस पर आप किस प्रकार से काम कर पाएंगे, इसके अंदर कौन कौन सी सेवाएं हैं, कहां से इस पोर्टल को खोलना है, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ इस पोर्टल की लिंक भी हम आपको प्रदान करेंगे जिससे आसानी से इसके ऊपर आप काम करके अच्छी आमदनी कर पाए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों सारथी पोर्टल को खोलने के लिए सबसे पहले आना है डिजिटल सेवा पोर्टल में, और जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर डालिए, कैप्चा कोड भर के यहाँ पर साइन इन कर लीजिए। फ्रेंड जैसे ही लॉगिन होगा तो इस प्रकार से डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। वीएलई अटेंडेंस को अपडेट लेटर कर दीजिए और इस प्रकार से पेज आपके सामने आएगा। अब देखिए इस नई सर्विस को आपको देखने के लिए यहाँ पर एक बार अपनी सर्विसों को रिफ्रेश कर लेना है, तभी ये नई सर्विस आपको अपने पोर्टल में दिखेगी। तो आप रिफ्रेश पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है ट्रांसपोर्ट। तो चलिए हम यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट लिख के दिखा देते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लिखेंगे तो ट्रांसपोर्ट लिखने के बाद देखिए ट्रांसपोर्ट की सर्विस आ जाएगी जहां पर लिखा होगा ट्रांसपोर्ट सर्विस ई सारथी एंड ई वाहन। तो आपको इसी के ऊपर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आप इसे खोल नहीं पाएंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा और अब आपसे ये बोल रहा है कि अपने डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करिए और उसके साथ इसे लॉगिन कराइए। तो हम लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इसका जो पोर्टल है वो आपके सामने खुल जाएगा। थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप देखेंगे ये पूरी तरीके से खुल गया है और खुलने के बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा है वाहन ट्रांजेक्शन, क्योंकि अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है तो यहाँ पर जीरो दिख रहा है। जैसे यहाँ पर काम होगा तो यहाँ पर उनकी एंट्री बाकायदा दिखेगी कि कितना यहाँ पर काम किया गया है। फ्रेंड्स ऊपर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर लिखा है डिजिटल ट्रांसपोर्ट सेवा सर्विस स्टेटस, और यहाँ पर इस प्रकार से ये जो है पोर्टल है। अब चलिए एक एक करके हम इसकी सर्विसें आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आपको इसके अंदर काम मिलेगा और क्या क्या काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर चलते हैं जहाँ लिखा है डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप सीधे ही इसके होम पेज पे आ जाएंगे। दूसरी सर्विस है देखिए यहाँ पर वाहन सर्विस, तो चलिए हम वाहन सर्विस पर क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे वाहन सर्विस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से जो वाहन की सर्विस है वो खुल जाएंगी। तो पहले देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा है रजिस्ट्रेशन रिलेटेड और दूसरा है परमिट रिलेटेड। अगर रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर है इशू एनओसी, आरसी पर्टिकुलर, व्हीकल कन्वर्जन, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ट्रांसफर ओनरशिप, फिर है देखिए चेंज यहाँ पर एड्रेस, जहाँ पर आप एड्रेस को चेंज कर पाएंगे। तो एड्रेस चेंज करने के बाद देखिए यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हीकल यहाँ पर रिसमेंट, उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा आरसी रिलीज, उसके बाद सरेंडर आरसी, कैंसिलेशन आरसी, उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है व्हीकल अल्टरनेशन। तो फ्रेंड इस प्रकार से देखिए जैसे मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन और ऐसी ढेर प्रकार से सेवाएं इसके अंदर मौजूद है। अब देखिए हम एक बार परमिट रिलेटेड पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी कोई सर्विस नहीं खुली है, ये सर्विस यहाँ पर आने वाली है। तो चलिए आपने इसकी वाहन सर्विस तो देख ली, अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो कि है सारथी सर्विस। तो जैसे सारथी सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारथी सर्विस खुल गई। जैसे कि देखिए यहाँ पर कंडक्टर डीएल सर्विस, डीएल सर्विस, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पर देखिए फी पेमेंट, ऐसी सर्विसें यहाँ पर मौजूद हैं। तो फ्रेंड इन सर्विसों का भी आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं और इनसे भी लाभ उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना हो, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके लिए आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। फ्रेंड फिलहाल अभी मैं इसका आपको एक डेमो दे रहा हूँ, बाद में मैं एक सर्विस को आपको खोल के दिखाऊंगा। अगर आप कमेंट करते हैं और वीडियो को 100 से ज्यादा लाइक करते हैं तो मैं एक एक सर्विस को आपको खोल के दिखाऊंगा कि किस सर्विस में किस प्रकार से काम होता है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप इस नए डैशबोर्ड को देख लीजिए और इसके अंदर सर्विसों को देख लीजिए। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है लॉगआउट का, जहाँ से यह पोर्टल जो है लॉगआउट हो जाता है।
तो दोस्तों इसी प्रकार से इस नए पोर्टल में सर्विसें दी गई हैं जिनके ऊपर आप काम करके अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं, जो सेवाएं आपको सीएससी ने उपलब्ध कराई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।